हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हमारा डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो आर्टिकल आया है वो आया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में, कि उसका सेक्शन 33 जो 7 है उसके बारे में कुछ दो चार पॉइंट्स हैं यहाँ पे। देखो अभी कंटेक्स्ट क्या है वो आपको बताता हूँ। जो सेक्शन 33(7) है उसमें एक्चुअली ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी जो कैंडिडेट है हमारे देश में जो इलेक्शन लड़ता है वो केवल दो जगह से इलेक्शन है वो लड़ता है, मतलब दो ही सीटों से वो चुनाव हो लड़ सकता है, उसके अलावा ज़्यादा सीटों से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इससे पहले प्रावधान क्या था, जब ये सेक्शन 33(7) था इससे ये जोड़ा गया था एक्चुअली 1996 में। तो 96 से पहले ये प्रावधान था हमारे देश में कि कोई भी कैंडिडेट है वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है और कितनी भी सीटों पे, मतलब कोई लिमिट नहीं थी कि एक कैंडिडेट है वो 5 जगह से भी इलेक्शन लड़ सकता है, और अगर वो जहाँ से भी अगर वो 5 जगह से इलेक्शन जीत जाता था तो उस कंडीशन में उसको 4 सीटें खाली करनी होती और एक सीट पर वो कैंडिडेट है वो रह सकता था। तो ये प्रावधान था 1996 से पहले, और 96 में किया गया कि भाई एक कैंडिडेट है वो केवल 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक तो वाराणसी से इलेक्शन लड़ा और एक डाटा उन्होंने अहमदाबाद की एक सीट थी वहाँ से, तो मतलब 2 जगह से उन्होंने इलेक्शन लड़े, उसके बाद दोनों जगह से वो जीत के तो उन्होंने एक सीट है वो खाली कर दी थी। तो सेम इसी तरीके का प्रावधान किया गया था 1996 में कि भाई एक कैंडिडेट केवल और केवल 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये ध्यान रखना कि सेक्शन 33(7) है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वो क्या, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो देखो अभी कंटेक्स्ट कुछ इस तरीके से ये होता कि अभी गवर्नमेंट का मतलब सुप्रीम कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन है वो ये प्रावधान करने की कोशिश करें कि भाई एक कैंडिडेट है ना वो केवल एक जगह से इलेक्शन लड़े। क्यों? क्योंकि वो ऐसा प्रावधान इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि देखो जब भी कोई कैंडिडेट 2 जगह से इलेक्शन लड़ता है, अगर वो दोनों जगह से जीतता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि दूसरी जगह पे एक सीट उसको खाली करनी होती है और वहां पे वापस इलेक्शन करवाने होते हैं। अब आप जानते हो कि अगर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे तो गवर्नमेंट का काफी सारा खर्चा है, गवर्नमेंट के फालतू के पैसे खराब होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का मतलब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा बचे हमारे देश का, और उसी के साथ एक तरीके से जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़े वो सीरियस होकर लड़े कि हाँ भाई यहां से मैं जीत सकता हूं तभी मैं यहां से इलेक्शन लूं, अदरवाइज वो इस तरीके से ज्यादा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट लगाम लगाने के लिए स्टेप उठाने की कोशिश वो कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है अभी इसमें ये संशोधन करने की बात है कि भाई केवल एक कैंडिडेट हो एक जगह से इलेक्शन लड़े। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से बताया था कि भाई हमें ऐसे ऐसे स्टेप उठाने की बात है क्या, तो इलेक्शन कमीशन ने भी अप्रूवल दे दिया है कि हाँ भाई एक कैंडिडेट हो केवल एक जगह से इलेक्शन है वो लड़ना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो बेसिकली यूपीएससी पूछ सकते हैं कि सेक्शन 33(7) है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वो क्या है। तो उसमें देखो यही प्रावधान है कि कोई भी कैंडिडेट हमारे देश में वो केवल इलेक्शन 2 जगह से ही लड़ सकता है, इलेक्शन जीत जाता है तो उसे एक जगह की सीटों खाली करनी होती है और उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं। तो ये सारा कंटेक्स्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल तक। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो आया है SC ST एक्ट के बारे में। तो SC ST एक्ट है वो आजकल काफ़ी सुर्खियों में, काफ़ी डेली एक्चुअली भारत बंद हुआ था उस टाइम पर भी न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो है कि जो SC ST एक्ट है वो एक्चुअली हमारे संविधान में स्टार्टिंग का पार्ट नहीं था, इसे 1989 में ऐड किया गया था, और इसे 1989 में किस नाम से गया वो था, ये 1999 में आया था SC ST एट्रोसिटी एक्ट के नाम से आया था। तो ये हमें ध्यान रखना कि एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से ही आया था। एट्रोसिटीज का मतलब होता है कि अत्याचार, कि SC ST के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनके साथ अनटचेबिलिटी होती है, उनको पब्लिक प्लेसेस पे पानी वगैरह नहीं पीने दिया जाता था उस टाइम पे, तो उन सब चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए एक्ट आया था। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में लागू नहीं, क्योंकि UPSC के बारे में आजकल काफ़ी न्यूज़ में, तो बेसिक किसी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना कि जम्मू एंड कश्मीर में SC ST एक्ट है वो यहाँ पे लागू नहीं, UPSC दे देगी स्टेटमेंट में कि यह भारत के सभी स्टेट्स में लागू है, नहीं नहीं जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे इसमें इंक्लूड है या नहीं है। इसमें देखो ये प्रावधान किया गया था इस एक्ट में कि SC और ST के खिलाफ अगर कोई भी जैसे कोई एक तरीके से बोल के कोई किसी तरह की हिंसा करता है कि उनको किसी दलित वगैरह किसी गंदे और दलित वगैरह किसी और भी नामों से पुकारा जाता है उनको, या फिर उनको के साथ किसी तरह का और भेदभाव होता है कि उनको ऐसा फील होता है कि हाँ भाई उनकी डिग्निटी हर्ट हो रही है, ऐसे माहौल में वो क्या करते हैं वो डायरेक्टली जाके एक्चुअली पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, और उस रिपोर्ट पर डायरेक्टली जो भी जिस भी जिसके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसको अरेस्ट करना होता था। ये डायरेक्टली अरेस्ट करना होता था बिना किसी छानबीन के, जांच के, उसके बाद में जांच होती थी, पहले उसको अरेस्ट करना था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो इस जो SC ST एक्ट था इसका काफी मिसयूज हो रहा है, लोगों को फालतू में फंसाया जा रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की कि भाई इस एक्ट को है इसमें एक तरह से डाइल्यूशन है वो कर दिया गया कि भाई अब अगर किसी के खिलाफ भी SC ST एक्ट का केस सामने आता है तो उसमें सबसे पहले तो ना जांच होगी और जांच होने के बाद ही उसको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से काफी मिसयूज हो रहा है। तो उसको लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान है वो किए। तो हमें ध्यान रखना है SC ST एक्ट है क्या, कब इसे इंट्रोड्यूस वगैरह किया था, और जम्मू एंड कश्मीर में इंक्लूड है वो नहीं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है AIIB के बारे में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। कंटेक्स्ट ये है
कि अभी एक्चुअली जो थर्ड एनुअल मीटिंग है वो होने वाली है विशाखापट्टनम में AIIB की, तो उसके लिए लीडअप कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की जा रही है, सेकेंड लीडअप कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की जा रही है थर्ड एनुअल मीटिंग के लिए जो विशाखापट्टनम में होने वाली है। तो ये सारा कंटेक्स्ट है। अब देखते हैं मैं क्या, सबसे पहले तो हम थीम ही देख लेते हैं जो UPSC बहुत बार पूछ लेती है। तो इस बार की जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की थीम है वो यहाँ पे आती है, वो आती है इन्हेंसिंग पोर्ट्स एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब पोर्ट है उनको एक्चुअली हमें बिल्ड करना है, उनकी कैपेसिटी उनको बिल्ड करना है, इसके साथ ही कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बूस्ट करना, मतलब सीधी सी बात है कि ट्रेड को हमें घुमा के फिरा के बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें हमारे कोस्टल एरिया को जिससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो करना है, ये इस बार की थीम है। चलते हैं हम आगे AIIB के बारे में जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात यह है कि AIIB है वो एक तरीके से ट्रेड को बूस्ट करने के लिए क्या करता है, पोर्ट्स और सी के ऊपर फोकस करता है कि भाई उनका डेवलपमेंट है वो हमें करना है। और ये ध्यान रखना है कि एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका एम ये है कि किसी इसका एम ये प्रावधान किया गया कि एशिया और एशिया के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके अंदर क्या करना है, सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम है उनको हमें इंप्रूव करना है। मतलब हमें सोशल कंडीशन है वो भी इंप्रूव करनी है और इकोनॉमिक हालात है लोगों के वो भी इंप्रूव करने हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं फंड वगैरह वो प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के बीजिंग शहर में, तो ये हमें ध्यान रखना है कि चाइना में इसका हेडक्वार्टर है वो है। थीम इस बार की हमने डिस्कस कर ली है, AIIB धारी UPSC पूछ सकते हैं कि भाई UN का पार्ट है वगैरह नहीं है, तो UN के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है कि यह एशियन की जो कंट्रीज है मैंने उनके ऊपर फोकस करता है। इसके अलावा एशिया के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन अगर खराब है तो उन क्षेत्र में यह फोकस है वो करता है। इस बार की जो थर्ड एनुअल मीटिंग है विशाखापट्टनम में होने वाली, ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। थीम को हमने देख लिया है, चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो हमारा आया है वो है OPCW के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन्स के बारे में। तो देख लेते हैं कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट देखो सबसे पहले यह है कि अभी रिसेंटली आपको जानते हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि रशिया के कुछ जासूस है दो, उनको एक्चुअली UK के अंदर मार गिराया गया था और उन पर आरोप लगा था रशिया पर ही उल्टा कि रशिया ने ही उनको मारा था, क्योंकि ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि वो जासूस हैं वो एक्चुअली रशिया के लिए काम नहीं कर रहे थे और वो काम कर रहे थे के वगैरह के लिए। तो इस चीज़ का आरोप लगा था रशिया के ऊपर कि भाई रशिया ने उन्हें मान गिराया, तो आरोप में ये था कि भाई उनको किसी केमिकल का डोज वगैरह दिया गया था और उसकी वजह से उन्हें मारा गया था। बट अभी हुआ क्या रिसेंटली, अभी रिसेंटली UK की जो कुछ एक तरीके से फोरेंसिक जांच वगैरह करती हैं उन्होंने ये चीज़ सामने पूर्व लगने की कोशिश की कि भाई अकेला रशिया मतलब रशिया है उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं पाया गया रशिया के खिलाफ जिससे ये चीज़ क्लियर हो रही हो कि रशिया ने उन जासूसों को वगैरह को मारा है। तो ये सारा कंटेक्स्ट था। तो अभी इसके लिए रशिया ने OPCW से भी रिक्वेस्ट की भाई आप भी हमारी मदद हो कीजिए, हमारा नाम फालतू का खराब वगैरह किया जा रहा है। तो हम OPCW के बारे में देख लेते हैं, यह एक इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र बॉडी है जो कि ऑटोनॉमस रूप से काम करती है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यह हमें ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UN के साथ मिलकर काम करती है। ध्यान रखना UN का पार्ट नहीं है, UN के साथ मिलकर थोड़ा बहुत वो काम करती है। ये चीज हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद में काम क्या है इसका, OPCW का काम देखो ये है कि कोई भी केमिकल वेपन है उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय करना आपस में कंट्रीज में एग्रीमेंट वगैरह करवा के, क्योंकि देखो केमिकल वेपन का जो नुकसान होता है ना, केमिकल वेपन्स होते हैं उनका बहुत बड़े लेवल पर नुकसान देखा जाता है। जिस तरीके से आपको ध्यान है कि वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पर आपको पता है कि हिटलर वगैरह ने जो गैस वगैरह यूज़ की थी केमिकल गैसें और उनकी वजह से काफ़ी लोगों की जाने गई थी, तो काफ़ी दर्दनाक मौतें होती है और उससे इन्वायरमेंट काफ़ी बुरा नुकसान होता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते OPCW बनाया गया था ताकि केमिकल वेपन्स हैं उनको एक तरीके प्रोहिबिटेड है वो किया जाए, मतलब केमिकल वेपन्स को बैन किया जाए और कोई भी कंट्री हो न्यूक्लियर वेपन की नहीं सॉरी केमिकल वेपन का निर्माण ना कर सके, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं हमारे इन्वायरमेंट वगैरह के लिए। और इसके लिए वो कन्वेंशन भी आई थी, वो थी केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC जो कि आई थी 1997 में। तो 1997 में जो CWC कन्वेंशन आई थी इसको भी इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो है OPCW। अब आपको समझ में आएगा कि भाई OPCW का काम क्या है। OPCW का देखो काम सीधा सीधा ये है कि अगर कहीं भी केमिकल वेपन्स बन रहे हैं तो उनको प्रोहिबिटेड करना, उनको बैन करवाना, क्योंकि केमिकल वेपन्स का हमारे बायोडाइवर्सिटी बहुत बुरा इंपैक्ट है वो पड़ता है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो रहता है। इसलिए केमिकल वेपन को प्रोहिबिट करने के लिए बॉडी काम करती है और उसे 2013 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था। तो ये UPSC पूछ सकती है OPCW के बारे में, तो ये हमें यहाँ पे पॉइंट है वो ध्यान रखना है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एक्चुअली वो है आईक्रूज के बारे में जो कि फॉरेस्ट स्टार के बारे में यहाँ पे कंटेक्स्ट वो आता है। मतलब बात यह है कि नासा का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप। तो जो हबल टेलीस्कोप है नासा का वो एक्चुअली यूरोपियन एजेंसी की हेल्प से भी बनाया गया। तो ये पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे धनकनी है कि नासा का जो हबल टेलीस्कोप है वो अकेले नासा ने नहीं बनाया, इसके हेल्प है वो की थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। 1990 में इसको बनाया गया था। इसका काम ये था कि जो भी ब्रह्मांड में कोई भी खगोलीय पिंड वगैरह है उनकी स्टडी वगैरह करने के लिए इसको फोकस है वो किया गया था हबल टेलीस्कोप को। अब देखो इस हबल टेलीस्कोप की मदद से ये खोजा गया एक तरीके से
एक नया स्टार है जिसका नाम है आइक्रूस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइक्रूस है वो एक नया स्टार है जो कि नासा ने खोजा है, काफ़ी दूर है एक्चुअली, उसको लेके कंटेक्स्ट वगैरह आया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आइक्रूस वगैरह का यूपीएससी बेसिक पूछ सकती है, कर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको हब्बल टेलीस्कोप के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि हब्बल टेलीस्कोप है वो नासा का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोलोब्रेशन से बनाया गया था 1990 में। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है एनसीबीसी के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। तो देख लेते हैं बीस के में कंटेक्स्ट, तो देखो कुछ इतना खास है नहीं, तो हम इस बॉडी के बारे में देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, यह एक स्टेचुरी बॉडी है, यह हमें ध्यान रखनी है। इसको एनसीबीसी एक्ट 1993 के तहत बनाया गया था। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यह जो भी एडवाइस वगैरह देती है वो गवर्नमेंट पे एक्चुअली नॉर्मल तौर पे बाइंडिंग है, वो होती है, मतलब यह गवर्नमेंट को एडवाइस देती है और वो एडवाइस गवर्नमेंट को माननी है, वो होती है, गवर्नमेंट के लिए बाध्य होती है। इसी के साथ इसके पास है वो सिविल कोर्ट की तरह पावर भी होती है। और यह काम क्या करती है, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, इसका काम ये होता है कि जो ओबीसी के अंदर जो भी क्लासेज या जो भी कैटेगरीज आती हैं उनकी एक्चुअली आपस में सुनवाई करना, उनके कोई भी डिफरेंसेज वगैरह हो, उनकी वजह से कोई भी इशूज़ हो तो उनको यह सोल्व करती है और उनके हितों की रक्षा करती है। मतलब ओबीसी के अंदर जो भी क्लासेज कास्ट आती उनकी हितों की रक्षा करने के लिए बॉडी है, वो काम करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक स्टेचुरी बॉडी है, गवर्नमेंट के ऊपर इसकी एडवाइस है वो बाइंडिंग होती है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बाइंडिंग है, सिविल कोर्ट की तरह भी इसके पास से वो पावर होती है। ये चीज़ हमें कुछ बेसिक फैक्ट है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसका सेक्शन 33 का सातवां पार्ट है उसके बारे में, कि उसमें यह प्रावधान है कि हमारे देश में कोई भी कैंडिडेट है वो केवल और केवल दो जगह से इलेक्शन लड़ सकता है, दो ही सीटों से। नेक्स्ट जो आर्टिकल है था वो था एस सी एस टी एक्ट के बारे में, जो कि 1999 में आया था, एस सी एस टी एट्रोसिटीज़ एक्ट के नाम से आया था। इसमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है वो इंक्लूड नहीं है। इसके बाद में हमने देखा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को डिस्कस किया, जिसकी थर्ड एनुअल मीटिंग है वो विशाखापट्टनम में होने वाली है, और उसी थर्ड एनुअल मीटिंग के लिए भी, थर्ड एनुअल मीटिंग जो होने वाली है उसके लिए लीड अप कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित अभी की जा रही है। थीम है वो हमने यहाँ पे देख ली थी, एनहेंसिंग पोर्ट एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेडक्वार्टर वो इसका बीजिंग में है। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो था OPCW के बारे में, जिसका दो था ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसको 2013 में नोबेल पीस प्राइस से भी नवाजा गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। यह यूएन के साथ मिलकर काम करता है, ना कि यूएन का पार्ट है। और यह जो कन्वेंशन, सॉरी, केमिकल वेपन की जो कन्वेंशन आई थी 1997 में, उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट भी करता है। काम इसका यह कि केमिकल वेपन्स है उनको प्रोहिबिटेड करना, ताकि हमारे इन्वायरमेंट वगैरह से किसी को भी नुकसान वगैरह ना हो। इसके साथ ही हमने एक स्टार के बारे में डिस्कस किया जो था आइक्रूस स्टार, जो कि नासा के हब्बल टेलीस्कोप की मदद से खोदा गया है। ये हमने यहाँ पे बेसिक पॉइंट थोड़े डिस्कस कर लिए। इसके साथ ही हमने एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में डिस्कस किया, जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, 1993 में एनसीबीसी एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। इसकी जो एडवाइस होती है वो गवर्नमेंट के ऊपर लीगली बाइंडिंग होती हैं, और यस, इसके पास जो सिविल कोर्ट होती है उसकी तरह भी पावर है वो होती हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।